हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, लेके आ गया हूं इंडियन नेवी MRSSR और AA के लिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं और पार्ट 3 लेकर के मैं आया हूँ। इसमें मैं वैसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि पिछले 5 वर्षों के जो नेवी का एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं, और इसमें 500 प्लस ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं और जिनकी सीरीज हम लोग करने वाले हैं। इस सीरीज में सभी प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब जितने भी पार्ट्स आएंगे वो तो आपके सामने होंगे, लेकिन जब तक पूरे पार्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ, और जैसा कि इंडियन नेवी का मोट्टो है कि हर काम देश के नाम, तो आप भी देश के नाम के लिए, अपने देश का नाम ऊंचा रखने के लिए तैयारी शुरू कर दो अगर आपको इंडियन नेवी में जाना है तो। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक GK Squared को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइव क्लासेस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो PDF और नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों का, वहां भी जाकर के ज्वाइन कर लो। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पार्ट। तो गाइस, जब तक हमने 35 नंबर तक कंप्लीट किया था 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 में हमने किए थे 20 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में हमने किए थे 15 क्वेश्चंस। तो ये इस तरीके से हमने अभी तक किया है। आज भी हम टोटल 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इन 15 क्वेश्चंस को करने के बाद वीडियो के एंड में जो भी आपका स्कोर हो वो कमेंट में लिख देना आप कि आपका स्कोर कितना था आउट ऑफ 15 और आप कहां से हो, और ये बिल्कुल सच सच लिखना। और इससे क्या होता है, मैं एनालाइज कर पाता हूँ कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कैसे हैं और किस स्तर पर चीजें तैयार करनी है आपके लिए। साथ ही साथ जो लाइव क्लासेज आएंगी उसमें भी किस तरीके से आपकी लाइव क्लासेज लेनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस रखने हैं, इससे मैं डिसाइड कर पाऊंगा और एनालाइज कर पाऊंगा। जल्दी से उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो, और उसके बाद जल्दी ही मैं वहां पे लाइव क्लासेज लेके आने वाला हूं। चलिए अभी शुरू करते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, ए वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, और इनमें से सभी में। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समतल दर्पण में। समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ए वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, कोई भी समतल दर्पण होगी तो उसमें वास्तविक वस्तु अगर कोई होती है, यानी एक जो रियल ऑब्जेक्ट रहता है उसके बाद भी उसका जो प्रतिबिंब होगा यानी उसका जो इमेज होगा वो किस प्रकार का होगा, वर्चुअल होगा, वो कैसा होगा, वो आभासी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, इज अ मिरर ऑलवेज मेकिंग अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट, समतल, उत्तल, अवतल, उसके बाद है समतल और अवतल, उसके बाद है उत्तल और अवतल, और लास्ट में है समतल और उत्तल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी समतल और उत्तल, यानी कि प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेकिंग अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारे समतल और उत्तल दर्पण है ये वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, ठीक है। क्या करता है, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी डायरेक्ट या फिर स्ट्रेट जो रिफ्लेक्शन होता है वो करता है, वो उसका इमेज तैयार करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियल रिफ्लेक्शन, उल्टा यानी रिवर्स, सीधा स्ट्रेट, सीधा और उल्टा, अपराइट एंड अपसाइड डाउन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइज हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो उल्टा होती है, ठीक है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि गाइज अभी आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो एकदम अप रहना चाहिए, क्योंकि अभी 10 दिनों के अंदर, 10 से 15 दिनों में आपके लिए नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, और आपका जो जोश है वो बिल्कुल हाई रहना चाहिए। तो कमेंट में कमेंट करके बताना आपका जोश हाई है या फिर नहीं है। नहीं है तो गलत बात है यार, हाई रखो और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयारी करो सिलेक्शन लेना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर की ओर।
वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्रिएट्स अ स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल और अवतल दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तल और अवतल दर्पण जो है ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर क्रिएट्स ए स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा वस्तु से यानी ऑब्जेक्ट से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। बढ़ेंगे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, उसके बाद है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है और सभी कथन सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द law of reflection of light, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. तो जो आपतन कोण है उसका जो कोण है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के, ऑलवेज हमेशा, और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। नेक्स्ट है 41 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, द रिफ्लेक्शन फॉर्मड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी और वास्तविक। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि सीधा और आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा और आभासी होता है, द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड वर्चुअल। तो ये अगर कोई समतल दर्पण है वो प्रतिबिंब बनाता है तो वो क्या होगा, सीधा तो होगा लेकिन वो आभासी होगा यानी वर्चुअल होगा। नेक्स्ट है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, परितारिका, आयरिस, पुतली, लेंस और पश्चमाभी पेशियां यानी इंटीरियर मसल्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परितारिका। हमारी जो आइरिस है ये कंट्रोल करती है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को, यानी अचानक से अगर कोई लाइट आती है आंख पे तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारी परितारिका, यानी हमारी जो आइरिस है वो इसका काम करती है। ठीक है, आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। नेक्स्ट है हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, व्हाट डज द सन लुक लाइक एट सनराइज एंड सन सेट, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार और चपटा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि चपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल जो है वो चपटा दिखता है, द सन लुक लाइक एट सनराइज एंड सनसेट फ्लैट। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर, दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण है, इफ द रिफ्लेक्शन फॉर्मड इन अ मिरर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट इन शेप, द मिरर इज अवतल, उत्तल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, एक दर्पण है जो कि एक प्रतिबिंब बनाता है जिससे क्या होता है हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सा दर्पण है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि समतल। समतल दर्पण होगा जो कि हमेशा सीधा आकार में और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन मेड बाई प्लेन मिरर, वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक होता है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लेंसेज, जल, मिट्टी, प्लास्टिक और कांच। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिट्टी। मिट्टी जो है ये लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, सोयल सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लेंसेज। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ऋणात्मक, धनात्मक,
शून्य और अन्य राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर बी यानी कि धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। द कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव होती है जो उसकी क्षमता होती है, किसकी? उत्तल लेंस की यानी कॉन्वेक्स लेंस की। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंस कैपेसिटी? मीटर, मीटर स्क्वायर, डायप्टर और अन्य। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी डैफ्टर। डैफ्टर जो है जिसे हम डी से सूचित करते हैं ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। डैफ्टर इज द यूनिट ऑफ लेंस कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है द डेप्थ ऑफ द बकेट फिल्ड विद वाटर सीम्स टू बी लो, दिस इज ड्यू टू पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा गाइज ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। तो अगर आपने कभी देखा होगा तो हमारी जो बाल्टी पहले यानी नॉर्मली खाली हो तो जितनी गहरी दिखती है, पानी भरने के बाद उतनी गहरी दिखती नहीं है। तो ये क्यों होता है? ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण यानी अपवर्तन के कारण। द डेप्थ ऑफ द बकेट फिल्ड विद द वाटर सीम्स टू बी लो, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है स्टिक इंसर्टेड इन वाटर लुक क्रूक्ड, दिस इज ड्यू टू परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो करना, पानी में जो एक बाल्टी हो उसमें पानी भरी हुई हो या फिर ऐसे ही पानी नॉर्मली हो, उसमें आप एक छड़ी डाल देना, वो छड़ी क्या होगी? टेढ़ी दिखेगी। तो ये क्यों होगा? ये होगा अपवर्तन के कारण। ए स्टिक इंसर्टेड इन वाटर लुक्स क्रूक्ड, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये आज 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, जल्दी वैकेंसी आने वाली है और एग्जाम तक एकदम बारूद हो जाओ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टा और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।